एवरीवन एंड वेलकम टू वेलोसिटी क्लासेस। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि नीट फिजिक्स और जेई मेंस फिजिक्स को क्या सेम है, क्या हमें एक ही तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। कुछ लोग जेई मेंस एंड नीट की पढ़ाई को सेम मानते हैं। पढ़ाई कहने का मतलब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग जेई मेंस और नीट की फिजिक्स की पढ़ाई को सेम मानते हैं। हाँ बिल्कुल सेम है, जेई मेंस एंड नीट का फिजिक्स तो सेम ही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं हो सकता है, प्रिंसिपल तो चेंज नहीं हो सकता है। अगर मैं बात करूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो एफ इज इक्वल टू ए में ही होगा, चाहे वो आप नीट में पढ़ रहे हो चाहे आप जेई मेंस की तैयारी कर रहे हो, सेम है। मीन्स प्रिंसिपल का भी चेंज नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि उनका फिजिक्स का सिलेबस अलग है आपका फिजिक्स का सिलेबस अलग है, थोड़ा बहुत अंतर होगा। तो क्या आप बोलोगे कि हाँ यहाँ तक तो सेम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम है, चीज़ें सेम पढ़नी है, बट पढ़ने का तरीका, क्वेश्चंस आने का मेथड क्या सेम है? तो आइए इसको समझते हैं। जो पेपर डिजाइन करता है, जो एग्जामिनर है, थोड़ा उसके बारे में आप सोचो, ठीक है, कि वो पेपर कैसे डिजाइन करता है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कि आप ये सोचो कि क्वेश्चंस किस लेवल का आ रहा है, आखिर एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो आप IAS की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की, तो आपको इतना तो पता होगा ना कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम निकलने के बाद हम DM बनेंगे, हम IPS बनेंगे। हाँ, तो DM का काम आपको पता होगा, IPS का काम पता होगा थोड़ा बहुत। उसी प्रकार आप ये सोचिए कि JEE मेंस क्यों होता है, JEE मेंस एग्ज़ाम निकालने के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या बनूँगा। या फिर सिमिलर मैनर में बात बोलूँ तो नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, अगर मेरा अच्छा रैंक आ गया तो मैं क्या करूँगा, क्या पढ़ूँगा और क्या बनूँगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, अगर आप बीटेक करना चाहते हो, तो आप JEE एडवांस को चूज करोगे, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीन चीज़ पढ़ना होता है। मैं तो फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। अगर आप नीट की प्रिपेयर कर रहे हो, मीन्स आपको डॉक्टर बनना है, मीन्स आपको MBBS करना है। तो यहाँ तक तो क्लियर हुआ कि अगर मैं बात करूँ JEE मेंस की, अगर मैं बात करूँ JEE क्या, तो JEE क्या कराएगा हमें, बीटेक कराएगा। बीटेक मतलब हमें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है। अगर मैं नीट की बात किया तो नीट हमें क्या कराएगा, तो MBBS कराएगा, जिससे हमें क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। यस, इतना तो पता चला। अब ये समझिए कि आखिर डॉक्टर का काम क्या होता है, इंजीनियर का काम क्या होता है। तो डॉक्टर का काम क्या होता है, इलाज, मीन्स रोग को इलाज करना, मीन्स रोग को ठीक करना, बाई यूजिंग मेडिसिन, बाई यूजिंग ऑपरेशन, ठीक है, बायोजिंग थेरेपी, ये सब चीज़ें यूज करते हैं डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर का काम क्या होता है, रोग को ठीक करना, दवा दे देना, मीन्स जो भी वो प्रैक्टिस किए हैं उसको ही अप्लाई करना। मीन्स कि अगर मान लो एक डॉक्टर है फिजिशियन, जो कि सर्दी जुकाम बुखार देखता है, तो आज भी उसके पास वही मरीज होंगे, कल भी उसके पास वही मरीज आएंगे, एंड परसों भी उसके पास वही मरीज आएंगे। मतलब एक ही काम वो रोज़ रोज़ कर रहा है ना, उसके पास कुछ नया आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर मैं बात करूं आई डॉक्टर की, आई डॉक्टर मीन्स रोज़ उसके पास सेम मरीज जा रहे हैं लगभग, ठीक है, और रोज़ आँख का ही देख रहा है, उसी का दवा कर रहा है, उसी का इलाज कर रहा है, मीन्स जो चीज़ें हैं उसी में वो काम कर रहा है, वो है डॉक्टर। अगर मैं इंजीनियर की बात करूं कि इंजीनियर क्या करता है, तो आप बोलोगे कि इंजीनियर, आपका तो यही थॉट है ना कि इंजीनियर क्या करता है, पुल बनाता है, ब्रिज बनाता है। जैसे आप बोलोगे कि ये सिविल इंजीनियर है तो ब्रिज बनाता है, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर है इसका मतलब वो मशीन बनाता है, वो गाड़ी ख़राब हो गया तो गाड़ी बनाएगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो घर पे TV, रेडियो, मोबाइल ख़राब हो गया तो वो बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। यस, आप तो यही जानते हो। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो लाइन ख़राब हो गया तो लाइन बनाएगा, मीन्स पंखा ख़राब हो गया तो पंखा बनाएगा। अगर वो कंप्यूटर इंजीनियर है तो कंप्यूटर बनाएगा, ख़राब हो जाएगा तो, आप यही जानते हो ना। बिल्कुल ये गलत है, कभी भी ब्रिज इंजीनियर नहीं बनाता, वो क्या बनाते हैं, वर्कर, मिस्त्री बनाते हैं, हेल्पर बनाते हैं। कभी भी पंखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनाते हैं, वो इलेक्ट्रिशियन बनाते हैं। कभी भी मशीन या गाड़ी एक मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बनाते हैं, वो मैकेनिक्स बनाते हैं। इतना बोल सकता हूँ कि जो ITI किए रहते हैं वो बनाते हैं।
तो आखिर इंजीनियर का काम क्या है? इंजीनियर का काम है नया चीज़ को डिजाइन करना, एक मशीन को डिजाइन करना, एक ब्रिज को डिजाइन करना। सीएस इंजीनियर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है तो उसको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना होता है। तो सर कंप्यूटर ऑपरेट जो करता है वो कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है, वो बीसीए किया हुआ है, वो एप्लीकेशंस जानता है, वो डिप्लोमा किया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि एक इंजीनियर, भले हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बट एक इंजीनियर का काम क्या है कि नई चीज़ों को डेवलप करना, नई चीज़ों को डिजाइन करना, ये हमारा एक इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, तो देखिए इंजीनियर का काम क्या हुआ है, नए चीज़ों पे सोचना, नए चीज़ों को सोचना और उसको डेवलप करना और उसको डिजाइन करना। जबकि एक डॉक्टर का काम क्या होता है, तो डॉक्टर का काम होता है कि पुराने चीज़ों को बार बार ठीक करना, पुराने चीज़ों को ही बार बार ठीक करना। आप बोल सकते हो कि नहीं सर, नया नया बीमारी आ जाता है, वो भी तो होता है, जैसे अभी कोविड-19 आया। हाँ, तो ये अगर एक डॉक्टर को पता चलेगा तो सब डॉक्टर को पता चल जाता है, मीन्स नया ये नहीं हुआ, इसको इससे मतलब मैनर में नहीं बोल सकते हैं। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि डॉक्टर का काम होता है जो हम जानते हैं उसी में रोज़ रोज़ काम करना, जबकि एक इंजीनियर का काम होता है नई चीज़ों को सोचना या नई चीज़ों को डिजाइन करना। तो ये समझ में आया होगा आपको कि इंजीनियर का काम एंड डॉक्टर का काम। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि जो नीट है जिससे आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए जो आपको फिजिक्स पढ़नी है, वो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लो और वो 20 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, ठीक है, रिपीटेशन करो, तो उतना से आप नीट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नीट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो आप एक बार सिलेबस को ख़त्म करिए थोरली, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जितने कॉन्सेप्ट है उसको बार बार करके रिवाइज करिए, उससे आप ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत किए। तो ये है नेचर ऑफ नीट फिजिक्स। जबकि जेई फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपको, क्योंकि नया चीज़ डिजाइन करना है, तो एकदम फिजिक्स के अंदर तक हमें कॉन्सेप्ट में जाना चाहिए अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो। तो इसमें डेप्थ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डेप्थ में आपको स्टडी करनी होगी, जबकि इसमें ऊपर ऊपर भी स्टडी करके काम चल जाएगा। तो डेप्थ स्टडी, मोर कॉन्सेप्ट जेई मेंस, और यहाँ पे लेस कॉन्सेप्ट से भी काम चल जाएगा अगर मैं बार बार रिपीट कर लिया, बार बार रिवाइज कर लिया अपने चीज़ों को, तो ऊपर ऊपर से भी काम चल जाएगा, कहने का मतलब ये। तो ये है बेसिक डिफरेंस। अब अगर मैं बात करूँ चलो मार्क्स की, इसमें 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं और इसमें कितने होते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं। 1 आवर में 25 क्वेश्चन एंड 1 आवर में 45 क्वेश्चन, क्यों आखिर क्यों? 45 क्वेश्चन क्यों दे रहा है, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, ये 25 एंड ये 45, ठीक है, क्यों 45 1 आवर में? मीन्स क्वेश्चंस के लेवल तो कम होंगे, क्वेश्चंस के लेवल कम होंगे, मीन्स वही चीज़ जो बार बार रिपीट करना है, मीन्स आपको टाइम के साथ भागना है, कम टाइम में ज़्यादा करना है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि कोई डॉक्टर है बोलेगा कि मैं इस बीमारी को 2 साल में ख़त्म करूंगा, पता चला कि मेरा एज ही बचा है 1 साल, तो उसको टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज करना होगा। जबकि एक इंजीनियर को एक मशीन डिजाइन करना है तो उसमें टाइम लगेगा, उसमें उसकी थॉट सोचने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें सोचेगा समझेगा फिर डिजाइन करेगा, इसलिए इसमें 25 क्वेश्चन। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो इसका कट ऑफ 90 जाता है आउट ऑफ 300, और इसका कट ऑफ अगर मैं बात करूँ तो 500 या मोर देन 500 आउट ऑफ 720 जाता है। तो इसमें इतना मार्क्स आ रहे हैं, इसमें कम मार्क्स आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये है फिजिक्स का लेवल, ठीक है। तो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमें नीट की तैयारी करनी है तो फिजिक्स की कैसी करनी होगी, और जेई मेंस की तैयारी करनी है तो कैसी करनी होगी। क्या नीट की तैयारी और जेई मेंस की तैयारी एक लेवल पे कर सकते हैं? तो ये अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। जेई मेंस में आपको कंसेप्चुअल चाहिए, जबकि नीट में चल जाएगा, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे तभी चल जाएगा। तो ये ठीक है, तो नीट वालों को फिजिक्स से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, नीट वालों को फिजिक्स से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि जैसा हमारा केमिस्ट्री है, जैसा हमारा बायोलॉजी है, उसी लेवल का फिजिक्स है। बट नीट वाले डरते क्यों है? क्योंकि उनको फिजिक्स उस लेवल का क्वेश्चन करा दिया जाता है जो जेई के क्वेश्चन होते हैं, तो इनको डर लगने लगता है, ठीक है। तो नीट वाले बच्चों को फिजिक्स से बिल्कुल नहीं डरना है। आपको पता चल गया कि फिजिक्स का लेवल बहुत ही कम है नीट में, तो हम अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे जितना केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बट डरना नहीं है, तो हमारा फिजिक्स में अच्छा स्कोर आ सकता है, ठीक है। थैंक यू।